नमस्कार दर्शकों, ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं PWD क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर रिहाड़ी की तस्वीरें हैं। इस शादी ब्याह का घर है और देखिए इस घर के हालात। इस समय परेशानी के आलम में पूरा परिवार, यानी घर में शादी ब्याह का माहौल था। घर में सोना और पैसे रखे हुए थे, अभी शादी सर पर थी। खुद सोचिए किस तरह कदर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है कि चोरों ने 60,000 रुपया नकद और 12 लाख का सोना उड़ा कर फुटचक्कर हो गए। और उससे भी बड़ी विडंबना की बात है, सरकारी क्वार्टर यानी कि क्वार्टर आप जान समझ सकते होंगे कि कितने पास पास क्वार्टर होते हैं, सरकारी क्वार्टर PWD क्वार्टर्स। और किसी को भनक भी नहीं लगी कि किस कदर वो चोर आते हैं, क्योंकि घर वाले बाजार शॉपिंग शादी ब्याह की ओर शॉपिंग करने गए थे और ये चोरों को मौका मिला। और किस कदर वो शादी ब्याह का घर की जो उनकी मेहनत की कमाई थी, जो शादी में जो जेवरात देने थे उन्हें और बाकी नकदी थी, वो रफू चक्कर हो गए। खुद सोचिए आखिर कमियां कहाँ हैं, आखिर कौन है ये लोग जो लगातार हम आम जनता की मेहनत की कमाई को इस कदर उड़ा, 2 मिनट में उड़ा कर लेके जा रहे हैं। आखिर कब लगाम लगेगी इन चोरों पर? कभी मंदिरों के अंदर, कभी लोगों के घरों के अंदर, कभी दुकानों के अंदर, लगातार जम्मू में चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसका जो कहीं ना कहीं ज़रूर कहेंगे एक आस्पेक्ट ये भी है कि जम्मू में जो उड़ता जो जम्मू पंजाब बन गया है, उसका ये आस्पेक्ट ये भी है। जब ऐसे नशाखोर जो लगातार जो नशाखोरी जम्मू में बढ़ती जा रही है, उसके माध्यम से जब ऐसे नशाखोरों को नशा करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये लोगों के घरों की जाकर चोरियां करते हैं, दुकानों में चोरियां करते हैं, मंदिरों में चोरियां करते हैं और उसके बाद अपनी नशे की लत को पूरा करते हैं। और खुद अंदाज़ा लगाइए इस परिवार का क्या हालत हुई होगी। इतनी बड़ी रकम यानी कि 12 लाख का सोना और 60,000 रुपये नकदी उड़ा कर चला गया। उस चोर को तो उसकी तो चांदी होगी, पर खुद सोचिए उस परिवार का, जिस परिवार के यानी कि शादी ब्याह का इस समय माहौल है, उन पर तो पहाड़ टूट पड़ा परेशानी का। इतनी बड़ी रकम का इतनी जल्दी इंतज़ाम कैसे करेंगे? यानी शॉपिंग पूरा इंतज़ाम कर चुके हैं और शादी ब्याह का माहौल है और शादी सर पर है और इस समय शॉपिंग के लिए गए थे और आकर देखें कि ये चोर जो हैं उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर चले पड़े हैं। खुद सोचिए कि देखना है कि आखिर कौन है ये लोग जो हमारे आगे पीछे रहकर रेकी करते हैं और मौका पाकर हमारी मेहनत की कमाई को उड़ाकर रफूचक्कर हो जाते हैं। और देखिए जो क्वार्टर्स होते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, यानी कि सरकारी क्वार्टर्स बिल्कुल साथ साथ होते हैं। ये कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं कि दूर दूर थोड़ा डिस्टेंस होगा, बिल्कुल साथ साथ क्वार्टर होते हैं और किसी को भी भनक नहीं लगी। और जब वहाँ के आसपास के जो क्वार्टर्स में पूछताछ की गई पुलिस द्वारा, तो उन्होंने कहा जनाब हमें तो पता ही नहीं चला, यानी कितने शातिर थे वो चोर कि आसपास पड़ोसियों को भी भनक तक नहीं लगी कि कब वो चोर आया, कब उन चोरों ने अंदर जाकर वहाँ पर पूरी तरह से सामान उथल पुथल किया और सोना उठाया, पैसा उठाया और भाग खड़े हुए। ज़रूर ये कोई ना कोई भेदी ज़रूर होंगे जो दिन में रेकियाँ करते हैं आकर और रात को या मौका पाकर, रात को या दिन के उजाले में मौका पाकर वो मेहनत की कमाई आम जनता की उड़ा कर ले जाते हैं। इस समय देखिए यहाँ पर पूरी तरह से फॉरेंसिक जो लैब है वो उनके भी यहाँ पर जो टीम वहाँ पहुँची हुई है, पूरी तरह से इस चीज़ों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, पूरी तरह से तथ्य देखे जा रहे हैं। आखिर कहीं फिंगरप्रिंट्स कोई कुछ ना कुछ मिल जाए, आखिर जानकारी पूरी जुटाएं और देखते हैं। पुलिस ने भी पूरी तरह से इस समय मामला जो दर्ज कर लिया। हम PWD क्वार्टर्स में रहते हैं रिहाड़ी में, वहाँ पे दिन दहाड़े चोरी कर दी, पता नहीं कौन आया, कैसे चोर थे, क्या थे, किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे साथ साथ में क्वार्टर्स हैं, किसी को पता नहीं चला क्या चोरी हुई है। 3 बजे से लेके 6 बजे के आसपास चोरी हुई है, तो कम से कम हमारा 60,000 के आसपास कैश लिया होगा और 12 लाख के आसपास ज्वेलरी ली होगी। तो और बाकी सामान को हमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और पता नहीं कितना सामान लिया होगा, अभी इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। मैम आप घर पे नहीं थे? जी हम उस दौरान कहीं गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, रिलेटिव्स के यहाँ पे चवेरी थी, वहीं गए हुए थे। शादी मेरे भाई की थी, उसका भी सामान पड़ा हुआ था, वही टोटल लेके कैश थोड़ा ही था, 60,000 था
और ज्वेलरी थी यही 12 लाख के आसपास, उसकी और हमारी थोड़ी मिला के। जी अभी कुछ नहीं पता चला है, अभी सिर्फ वो इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तो सबसे पहली बात है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, उसकी वजह से यहाँ नशाखोरी इतनी है, यहाँ लोग इतने वाइट, वो जो चिट्टा जिसे कहते हैं ड्रग्स लेते हैं जी। हालांकि नो डाउट कि पुलिस उस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी परसों ही 300 करोड़ रुपए का कोकीन पकड़ी गई थी रामबन में जी, और रोज़ ऐसे किस्से आते हैं। लेकिन ये एक सबसे पहला पॉइंट तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ चौकी अफसर अनिल कुमार जी आए हैं रिहाड़ी के जी, तो उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, और जब से वो यहाँ पर उन्होंने पदभार संभाला था, यहाँ पहले बहुत चोरियाँ होती थी, अभी इनके आने से यहाँ चोरियों में थोड़ा अंकुश लगा है जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पर पूरे तरीके से गवर्नमेंट को भी चाहिए, लोगों ने तो अपने अपने सेफ्टी के लिए दुकानों पे घरों में लगाए हैं, तो ये पुलिस का भी काम बनता है कि जो मेन जगहें हैं वहाँ पर CCTV कैमरा लगाना चाहिए उनको, ये उनका काम है। गवर्नमेंट हर कुछ फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करती है, खाली यहाँ चोरियाँ नहीं, यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इतनी फास्ट मूविंग यहाँ गाड़ियाँ भी चलती हैं। मैं पिछले दिनों SSP ट्रैफिक से भी मिला था, उनको भी ये शिकायत की थी कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट, यहाँ पर भी कुछ अंकुश लगाए, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी ट्रैफिक का बंदा नहीं दिखा। तो इसी तरह सबसे ज़्यादा जब तक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी के अंदर नहीं आएगी, चाहे वह पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, जब तक उनको सेल्फ अपने नहीं आएगी तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा नहीं सकते। ये अपने देश के लिए प्रति, अपने स्टेट के लिए ये लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए। यहाँ पर यही कारण है कि करप्शन होती है, फिर करप्शन से फिर आपको पता क्राइम बढ़ जाता है, तो क्राइम ब्रीड्स करप्शन।